हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बाल्मीकि, स्वागत करता हूं आपका अपने बाल्मीकि जी यूट्यूब चैनल में। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में हम DTU की नए एपिसोड मतलब कि DTU फोर्थ एपिसोड की बात करेंगे, जिसमें आज की जितने भी न्यूज होगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो आज की पहली खबर आ रही है Asus ROG फोन 3 को लेकर। ये ऐसा हो सकता है ये 22 जुलाई 2020 को मतलब कि आने वाली 22 जुलाई को लॉन्च हो। और इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी बात हो रही है, माना जा रहा है कि इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी होगी और इसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर होगा वो आएगा। और इसमें बहुत सारे बढ़िया फीचर की, जो हमारा Asus का ROG फोन 2 था वो बहुत ही दमदार फ़ोन था, तो अभी इसका सक्सेसर ROG फोन 3 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। दूसरी न्यूज आ रही है सैमसंग की ओर से। सैमसंग की एक जो पहली मेड इन इंडिया स्मार्ट वॉच है वो आज लॉन्च हो गई है, जिसमें 4G का सपोर्ट भी है। इसकी प्राइस अराउंड 28,490 रुपया है और ये मेड इन इंडिया स्मार्ट वॉच है। अगली खबर आ रही है कैम स्कैनर को लेकर। कैम स्कैनर जो कि 59 चाइनीज है बैन हुई थी, उसके अंदर कैम स्कैनर का भी नाम था। तो अभी कैम स्कैनर को रिप्लेस करने के लिए एक नया जो हमारे भारत का खुद का एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है भारत स्कैनर। आज ये एप्लीकेशन भारत स्कैनर नाम से मेड इन इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये जो हमारे जो फोटोग्राफ दस्तावेज है उनको बढ़िया से स्कैन कर सकता है और उसको PDF रूप में कन्वर्ट कर सकता है। और इसको हम WhatsApp या फिर Facebook पे अलग अलग जगह पे इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आप जाइए और इस भारत स्कैनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगली न्यूज आ रही है MX Player को लेकर। जब TikTok बैन हो गया है भारत में, तो अब अलग अलग कंपनियाँ हैं वो सब TikTok के जो अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है उसको लॉन्च करने में लगे हुए हैं। तो इसमें MX Player ने भी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है टकाटक। और ये एप्लीकेशन TikTok के जैसे ही शॉर्ट वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए एक काम आएगी। और आज वीवो का जो सब ब्रांड है IQ, उसने भी एक मोबाइल लॉन्च किया जिसका नाम है Z1X और इसकी शुरुआती कीमत 17,200 है और इसके अंदर ट्रिपल रियर कैमरा है। और आज लावा ने भी Z61 Pro नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसकी शुरुआती कीमत 6,000 रुपये में होगी। इसके बाद न्यूज आ रही है गूगल की ओर से। जो हमारा एंड्रॉयड सिस्टम 11 था वो 8 सितंबर को लॉन्च होने वाला था, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से मतलब कि हर जगह के बिगड़ते माहौल को देखते हुए गूगल ने भी इसके लॉन्च इवेंट को कैंसिल कर दिया। और उन्होंने बोला है कि अभी हम आगे किसी और डेट को इसकी लॉन्चिंग करेंगे। और सबसे बड़ी खबर आ रही है भारतीय सेना को लेकर। भारतीय सेना में 89 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। इसमें जो 59 एप्लीकेशन है जो कि अभी गवर्नमेंट ने बैन की है वो सब तो हैं TikTok लेके। उन 59 चाइनीज ऐप्स के अलावा भी भारतीय सेना को जो भी भारतीय सेना में इन्वॉल्व पर्सन है उन लोग को फेसबुक और पबजी इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन को चलाने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि ये जो हमारे प्राइवेसी रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं। इसलिए उनको ये नोटिस भेज दिया गया है कि जितने भी भारतीय सेना के जवान हैं या फिर कर्नल हैं वो कोई भी इस अब 89 एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता है। ये सारे एप्लीकेशन का लिस्ट में आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से 89 ऐप्स हैं जो कि भारतीय सेना के लिए बैन कर दिए गए हैं। और आज क्वालकॉम ने भी अपना एक नया प्रोसेसर 865+5G को लॉन्च कर दिया है और इस प्रोसेसर की स्पीड होगा 3 GHz का होगा। और ये ऐसा माना जाता है कि जो पुराना 865 जो था उससे 10% ज़्यादा फास्टर होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो Asus का ROG फ़ोन 3 आने वाला है वो इसी नए वाले प्रोसेसर के ऊपर होगा। तो बस दोस्तों, आज की खबर इतनी ही थी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।